हे गाइस, तो आज हम सरोजिनी नगर मार्केट जा रहे हैं। वहाँ पर मंडे मार्केट लगेगी। तो ये मैं कुछ अपने फेस को दिखा रही थी, मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा एक्ने प्रॉब्लम हो रहा है इस टाइम पर, तो मैंने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया है। एंड त्रिशु के पापा उसको रेडी कर रहे हैं। मैंने आईज़ में लाइनर लगाया है बस, और मस्कारा। तो अब हम जाने के लिए रेडी है। त्रिशांत ने अपना मास्क लगा लिया है एंड ये मेरी फ्रेंड इंदु है। तो ये दोनों नाउ वी आर रीच सरोजिनी नगर मार्केट। सो टुडे इज़ मंडे एंड मंडे को यहाँ पर बहुत ही अच्छी सेल लगती है। आपको 30, 50, 100, 150 बहुत ही अच्छा आपको सेलिंग प्राइस मिलता है। यहाँ पे बहुत अच्छे डिस्काउंट में आपको कपड़े मिल जाते हैं। कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत बेस्ट वाली मार्केट है ये। तो इंदु ने त्रिशु को पकड़ रखा है और हमारे साथ दीदी भी है, अर्चना दी एंड नीतू दी। तो मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड इंदु ने त्रिशांत को पकड़ के रखा है अपनी गोद में। तो सबसे पहले हम अभी कुछ खाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि किसी ने भी खाना नहीं खाया एंड बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो यहाँ तो कुछ पसंद नहीं आया। तो ये एक चाइनीज़ कॉर्नर है, यहाँ पर हमने नूडल्स ली है एंड मोमोज। तो सबसे पहले हम इसको फिनिश करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हेलो दी, तो ये मोमोज की जंग यहाँ पर छिड़ चुकी है। सबसे पहले कौन खाएगा? एंड ये त्रिशांत, इसको भी अब भूख लगी है मोमोज देख के। तो इसको हमने मोमोज नहीं खिलाए थे, अंदर की जो फिलिंग थी चिकन की वो ही खिलाई थी। रिकॉर्ड करने दो। तो अब हम कुछ खाने के बाद थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। तो फाइनली दी को ये लखनवी कढ़ाई वाला जो चिकन करी बोलते हैं ये सूट पसंद आया है। एंड ये हमें 350 का हाँ 350 का लिया था। एंड ये त्रिशांत की शैतानियाँ कम नहीं हो रही है। इसने पूरे फुल टाइम हमें इसने बस परेशान ही किया है। तो ये गॉगल्स लिए थे, भैया ने 250 बोला था लेकिन लास्ट में बार्गेनिंग करते करते रो रहा के हमें 100 रुपीज़ का दे ही दिया। तो हमने ये रेड वाला लिया था, भैया से बहुत बार्गेनिंग की तब जाके उन्होंने हमें 100 रुपीज़ का दिया। एंड ये कुर्ती थी, कुर्ती के साथ प्लाजो था। तो ये 300 के दोनों मिले थे एंड पर पीस कितने का था? 150 का। तो ये डेनिम की शर्ट थी, इसमें से हमने ये वाला लिया है एंड ये भी सेलिंग प्राइस इसका था 100 रुपीज़। तो ये आपको 100 रुपीज़ में आराम से मिल जाएगा वहाँ पे। तो त्रिशांत को भी भूख लगी है, इस वजह से वो काफी इरिटेट हो रहा है। बच्चों के साथ शॉपिंग करना ना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है, तो थोड़ा सा बच्चों से सावधान रहे। ये देखो इंदु को कैसे पीट रहा है एंड सच में ये बहुत ज़्यादा नॉटी हो गया है। तो ये डेनिम की शर्ट थी एंड कुछ ड्रेसेस भी थी इसमें। तो ये आपको हमें 100 रुपीज़ की मिली थी एंड इसका जो सेल प्राइस था वो भी 100 ही था। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे टॉप्स है एंड इनका प्राइस भी अराउंड 150, 200, 300 के आसपास ही था एंड ये वाला 90 का था। एंड जो ये वाला शर्ट है ये 300 का था। नहीं, नहीं।
ये 60 रुपया, सॉरी 50 रुपीज़ में ये सेल लग रही थी टॉप की, एंड ये 30 रुपीज़ में आप देख सकते हैं भैया चिल्ला रहे हैं बढ़िया 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 टॉप टीचर निकल। अगर आप ढूंढोगे तो इन टॉप इनमें भी काफ़ी आपको अच्छे टॉप्स मिल जाते हैं। खाएगा थोड़ी सी, दूंगी नहीं लेकिन ओए आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी सीरियसली। एक तो इतने लॉन्ग टाइम के बाद घर से बाहर जाना तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी, एंड कोविड के बाद मैं आज फर्स्ट टाइम सरोजनी नगर गई हूँ। एंड ये वाले जो टॉप थे ये 350 के थे, एंड भैया से बार्गनिंग करके हमने ये 300 में ले लिया था। सरोजनी नगर में अगर आप बार्गनिंग करोगे ना तो आपको मतलब कि मिल ही जाता है, अच्छा खासा अच्छे खासे रेट पर आपको मिल जाते हैं कपड़े, बस आपको थोड़ी बार्गनिंग करनी आनी चाहिए। तो ये कप लिए थे हमने यहाँ पर, एंड ये कप 100 के 6 थे। तो ये येलो वाले पसंद आए थे, एंड येलो वाले ही हमने परचेज किए थे। तो ये भैया जी की शॉप है, एंड यहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर नेक पीस थे, बैंगल्स थे, मंगलसूत्र भी थे। एंड ये जो भैया ने दिखाया है इसका जो कॉस्ट था वो 900 था। एंड ये भैया की जो शॉप है ये जस्ट अरोड़ा, ये यहाँ पर रेनू है, रेनू साड़ी वाला एंड अरोड़ा साड़ी वाला, उसी के जस्ट नीचे लगी थी ये शॉप। एंड उसके बाद हम मेदी हट्टी गए थे, वहाँ पर मुझे एंड दी को कुर्ती पसंद आई थी, कुर्ती के साथ में प्लाजो था एंड एक स्कर्ट थी, तो हमें वो पसंद आई थी। एंड उसका जो प्राइस था वो 800 था, सेल प्राइस था, तो हमने उसे परचेज किया। एंड यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर और भी अच्छे सूट थे, तो ये वाला मेरे को बाहर डमी पर अच्छा लगा था तो मैंने इसको ख़रीदा है। एंड अब त्रिशांत को नींद आ रही है तो अब हम भी घर को निकल रहे हैं, तो घर पर आने के बाद ना कपड़े देखने का बड़ा मन होता है कि पूरे कपड़े फैला के ना उसको देखने का बड़ा मज़ा आता है। तो उस टाइम हम नीतू दी के रूम में बैठे हैं, एंड ये अर्चना दी है, प्रशांत, एंड नीतू दी ने ये वाला लिया था, और ये वाला ड्रेस लिया था इन्होंने। और मैंने एक टॉप लिया था, बस ये मेरे को 300 का मिला था। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर फिनिश होता है, होप यू एंजॉयड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय बाय।